कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस पर्व मनाया जाता है और इसके बाद कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। इस साल 23 अक्टूबर को धनतेरस और 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाती है। धनतेरस का दिन सुख समृद्धि पाने के लिए साल का सबसे उत्तम दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन ऐसी कोई अशुभ चीज न खरीदें जो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दे। तो आइए अब जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिनको खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। स्टील के बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, लेकिन ये बर्तन पीतल तांबे जैसी शुद्ध धातुओं से बने हुए होने चाहिए। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन ना खरीदें, यह राहु के कारक होते हैं। इन्हें घर में लाना अशुभ और दुर्भाग्य कारक होता है, ना ही स्टील के बर्तनों को घर में सजा कर रखें। एल्यूमिनियम के बर्तन। इसी तरह एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाना या खाना अच्छा नहीं होता है। धनतेरस के दिन तो एल्यूमिनियम गलती से भी ना खरीदें। कांच या प्लास्टिक की चीजें। धनतेरस के दिन कांच या प्लास्टिक की चीजें भी ना खरीदें। इससे घर में सुख समृद्धि और बरकत नहीं रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता। कांच पर भी राहु का प्रभाव होता है, इसलिए धनतेरस के शुभ दिन घर में लाना अच्छा नहीं होता। चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी के बर्तन या चीजें भी नहीं खरीदें। ये चीजें सुरक्षित और स्थायी नहीं होती हैं, इसलिए मान्यता है कि ये चीजें खरीदने से घर में बरकत नहीं रहती है। काली चीजें। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की चीज ना खरीदें। इन पर शनि का प्रभाव होता है और धनतेरस के दिन सोना चांदी की चीजें या शुद्ध और शुभ चीजें ही खरीदें।